नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी एजुकेशन हब। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको डीएमएलटी सेकेंडरी की क्लासेस में। ठीक है सब दोस्तों, मैंने आपको सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर दिया था कि डीएमएलटी सेकेंडरी की सिलेबस सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अब सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहले हम लेंगे बायोकेमिस्ट्री को। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का, फिर हिस्टोपैथोलॉजी का। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री डीएमएलटी सेकंड ईयर। यानी कि डीएमएलटी सेकंड ईयर में जो बायोकेमिस्ट्री होती है, सब्जेक्ट जो होता है बायोकेमिस्ट्री का, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में ये नहीं आएगा, ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, नोट्स मत बनाइए आप इंट्रोडक्शन के, लेकिन समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने ये समझ लिया तो आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री याद करने में, पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज को हम जानते हैं, तो उसको दो रूपों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो रूपों में यदि हम उसको तोड़ देते हैं, यहां मैं यूज करूंगा ब्रेक डाउन, क्योंकि पूरी बायोकेमिस्ट्री में ब्रेक डाउन जो वर्ड है वो यूज आने वाला है। ये किसी भी चीज का हम डिवाइडेशन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री में मैंने आपके सामने दो रूपों में इसको डिवाइड किया हुआ है, बायो और केमिस्ट्री। आपने 11 12th में बायो भी पढ़ी होगी और केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी। ये दोनों का संगम है जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में यानी कि लाइफ की बात होती है, जीव की बात होती है, जीवन की बात होती है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा इंट्रोडक्शन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा रहते हैं, जो जीवित रहते हैं, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और उसमें मनुष्य भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिंदा रहते हैं, वो सभी आते हैं, यानी कि सजीव जिसे हम बोलते हैं। बात करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का जो अर्थ है वो रासायनिक विज्ञान, यानी कि रसायन से संबंधित होता है। तो केमिस्ट्री में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात होगी, कंपोजिशन के बारे में बात होगी, केमिकल के बारे में बात होगी, और प्रोसेस के बारे में बात होगी। यानी कि किसी भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होने का उसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है। ठीक है, किसी भी बायोमोलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होने के पीछे एक्चुअल जो रीजन है वो क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की। कोई आपसे पूछता है कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, फिर बायोकेमिस्ट्री को समझाएंगे, तो यार डेफिनेशन आप उसके बता दोगे तो सब चीज उसमें क्लियर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर आप डेफिनेशन को आप लिखी लो। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज ए बेसिक साइंस विच डील्स विद केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर। मैंने आपको बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग वर्ड ज्यादा सुनने को मिलेगा। बात करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज ए बेसिक साइंस। बायोकेमिस्ट्री एक बेसिक साइंस होती है विच डील्स, जो डील करती है केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर। यानी कि केमिकल नेचर रासायनिक प्रकृति और रासायनिक बिहेवियर, यानी कि केमिकल बिहेवियर में लिविंग मैटर में, यानी कि जो भी लिविंग मैटर है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर हो रहा है उसको डील करती है, फिर उसको कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे तो आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये तो एक तरह से डेफिनेशन हो गई, इसे आप लिख भी सकते हो। अब समझने के लिए हम थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में डीपली जाएंगे। अब डीपली कैसे जाएंगे? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन या केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें केमिकल प्रोसेस, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन हो रही है तो कैसे, या फिर ब्रेक डाउन होकर दो चीजें कैसे बन रही है, उसे बोलते हैं रिएक्शन। स्ट्रक्चर, उसका रासायनिक जो सूत्र है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, अब और स्टडी, अब स्टडी कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल प्रोसेस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा मेटाबोलिज्म। ठीक है, मेटाबोलिज्म, इसे आपसे बोलते हैं वैसे हिंदी में मेटाबोलिज्म। अब ये मेटाबोलिज्म होता है कि ये आपको जल्दी पढ़ने को मिलेगा, ये आपको बार बार वर्ड सुनने को मिलेगा। फूड का स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अब फूड है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटाबोलाइज्म होता क्या है। फूड का बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होना, टूटना, उसे हम बोलते हैं मेटाबोलाइज्म। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन होते क्यों है? ये होते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा।
ठीक है, किसके द्वारा होते हैं? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा फूड का ब्रेकडाउन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। आप खाना खाते हो, खाना मुंह में लेके जाते हो, मुंह में बोलस बनता है, ठीक है, लार जो ग्रंथि होती है उसमें से लार एक्टिव होते हैं और वो बोलस के रूप में बनता है। फूड पाइप के द्वारा अपने पेट में जाता है, अपने स्टोमक में जाता है, वहां से जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन, HCL और जितने भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं सीक्रेट होते हैं। अब वो सीक्रेट क्यों हो रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शन हो रही है ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है, खाना आपने खाया, मुंह में थोड़ा सा उसका बोलस बना, बोलस क्यों बना? ताकि वो फूड पाइप में आराम से निकल सके। मुंह में जो लार ग्रंथि रहती है, लार ग्रंथि के द्वारा जो लार सीक्रेट होती है उस पर वो चिकना बना और चिकना बन के वो फूड पाइप के द्वारा अपने स्टोमक में आ गया। अब स्टोमक में आने के बाद उसका डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन ऐसे होगा कि जो हमारी जठर ग्रंथि होती है उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, फूड को डाइजेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, अब उसमें से जो पेप्सिन, रेनिन, HCL जितने भी ये जो एंजाइम होते हैं, जितने भी जो पाचक रस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। अब पाचक रस को सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एक बार दोबारा भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी कारण वो डाइजेशन होता हुआ अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से जाके रेक्टम में चला जाता है, उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि फूड का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। ये सभी चीजें केमिकल रिएक्शन के द्वारा होती है। यहाँ आपने फूड का जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ये अपने बायो में पढ़ा, और जो बाकी का जो केमिकल रिएक्शन होगा वो केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, एक शब्द आप सुनने को मिलोगे, बायो मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उसमें आप लगा दो अब बायो मॉलिक्यूल्स, बायो ऐड कर दो। अब ये बायो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, इन्हें आप रट लो, ये ईच चैप्टर है। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, यही चैप्टर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक चैप्टर है, फैट एक चैप्टर है, प्रोटीन एक चैप्टर है। इन सभी का डाइजेशन, इंट्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज्म, ठीक है, और साथ में इनका जो फंक्शन, ये सभी चीजें आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इन्हीं से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, याद रखना, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन्हीं से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये सब चेंज होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का चेंज होना बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का चेंज होना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब बात करेंगे ये क्यों जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, यानी कि जीवित, यानी कि सजीव को ये तो चाहिए चाहिए, ये नहीं मिलेंगे तो एनर्जी बॉडी को नहीं मिलेगी, यानी कि ये हमारे एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अब बात करें यदि इनकी कमी हो जाएगी, बायोमोलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी तो डिजीज को इंडिकेट करेगी। लेकिन अब ये हमारे बॉडी में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाग में हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, फैट स्टोर रहता है, प्रोटीन स्टोर रहता है, ग्लूकोज स्टोर रहता है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं बात करूं कि ग्लूकोज को ले हम सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है हमारे लीवर में। ठीक है, ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है, स्टोर इन लीवर, ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ये इसकी सेकेंडरी फॉर्म है। ठीक है, ग्लूकोज की सेकेंडरी फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन। ये हमारे कहां स्टोर रहता है? लीवर में। ठीक है, अब ये वापस कम बैक कैसे करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल्स की कमी डिजीज को इंडिकेट करती है, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स यदि कम होंगे बॉडी में तो डिजीज को इंडिकेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं। अब वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, बाकी जितने भी एग्जांपल है वो मैं आपको हर चैप्टर में बताऊंगा, हर चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जांपल के थ्रू, इंट्रोडक्शन के थ्रू मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ग्लूकोज है वो सेकेंडरी फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में। ठीक है, अब आप फास्टिंग करते हो, व्रत करते हो, तो उस व्रत में आप खाना नहीं खाते हो, ना ही आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, ना फैट लेते हो, ना प्रोटीन लेते हो, यानी कि कुछ भी नहीं खाते। ठीक है, अब आपको एनर्जी कहां से मिलती है? एनर्जी ऐसी मिलती है कि लीवर में से वापिस के सीक्रेशन होता है, वापिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, वापिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और वापिस वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक? जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी कमी भी डिजीज को इंडिकेट करती है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। स्टोर कैसे रहते हैं? एक एग्जांपल ग्लूकोज का लिया हमने, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वो उसकी सेकेंडरी फॉर्म होती है, वो हमारे लीवर में स्टोर रहती है। ठीक है, यानी कि लीवर में स्टोर रहती है। जब हम भूखे होते हैं या फिर हम फास्टिंग करते हैं, फास्ट करते हैं,
तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और वो हमको एनर्जी फॉर्म में प्रोवाइड करता है, यानी कि वो हमको एनर्जी देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से लिंक है, किसी भी चीज की कमी होगी तो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के साथ हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये है सीधा सा बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। दोस्तों आसान भाषा में आपने समझ लिया होगा कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, ज्यादा डीपली न जाए इस वाले टॉपिक में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। ठीक है, और बेसिकली इसकी नीड भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि उस टॉपिक को हम पूरा समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन हमको पता है तो इजीली हम उस चैप्टर में, उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में इजीली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने बता दिया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री डीएमएलटी सेकंड ईयर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, छोटा सा है, आप केवल इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन एक बार दोबारा बता रहा हूं, बायोकेमिस्ट्री इज ए बेसिक साइंस। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है जो डील करता है विच डील्स विद केमिकल नेचर, जो डील करता है केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर। आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, लिविंग मैटर भी बोल सकते हो। लिविंग मैटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सुनने को मिलेगा, अधिक मात्रा में, अधिक बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल प्रोसेस रिएक्शन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल प्रोसेस और दोबारा बता रहा हूँ सारा रिएक्शन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, और एक आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, कोर वर्ड सुनने को मिलेगा मेटाबोलाइज्म में। मेटाबोलाइज्म होता क्या है, फूड का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना, फूड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, उसे हम बोलते हैं मेटाबोलाइज्म में। ठीक है, अभी किस मेटाबोलाइज्म क्यों हो रहा है, मेटाबोलाइज्म हो रहा है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एग्जाम्पल बताया था कि हम खाना खाते हैं तो मुंह में भी उसका ब्रेक डाउन होता है, मुंह में वो बोलस के रूप में आपका जो खाना है, फूड है, वो बोलस के रूप में बनता है। साथ में जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथि से लार सीक्रेट होता है और वो उसको निगलने में सहायक करता है, फूड पाइप के द्वारा वो स्टोमक में आ जाता है। अब स्टोमक में आने के बाद भी काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं, आपने पढ़ लिया होगा फर्स्ट ईयर में कि उसका डाइजेशन कैसे होता है, फूड का जो गैस्ट्रिक जूस जठर ग्रंथि रहती है, जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस जठर सीक्रेट होता है, उसमें HCL रेनिन पेप्सिन ये काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जिन्हें हम डाइजेशन एंजाइम भी बोलते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, हमारे भोजन को डाइजेशन करते हैं, वो एंजाइम हमारे भोजन का डाइजेशन करते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, काफी सारे पार्ट में भी उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो सारी चीजें एक दूसरे के लिंक है। फिर हम पढ़ेंगे कि फूड का छोटे छोटे मॉलिक्यूल शब्द आया तो मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स बनाए, बायोमोलिक्यूल्स भी आपको ज्यादा मात्रा में सुनने को मिलेगा, अधिक बार सुनने को मिलेगा बायोकेमिस्ट्री में। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, ये सभी एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स होते हैं। ठीक है, ये इनकी जो स्टडी होती है वो बायोकेमिस्ट्री में होती है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। अगर ये कम हो रहे हैं यानी कि इनकी कमी है तो भी डिजीज को इंडिकेट करेंगे, मान लो प्रोटीन कम है तो शरीर में मसल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, फैट कम है तो बॉडी लचीली हो जाएगी, ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है, और उसके बाद बात करें यानी कि ये कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं बॉडी में, आवश्यकता पड़ने पर वो उनका ब्रेकडाउन होकर सेकेंडरी फॉर्म में डेवलप होकर वो एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अधिक मात्रा में है बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है, काफ़ी बड़ा है सिलेबस है। ठीक है, बेसिकली मैं कार्बोहाइड्रेट को भी तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, इजी लैंग्वेज में, जब भी कार्बोहाइड्रेट का नंबर आएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन आप समझ के चलोगे, ठीक है, तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक फोनीजी एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबा दो के तो जल्दी ही आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।